Welcome to my channel. Second inning, life begins after 60. मैं हूं आपका दोस्त नीरज जैन. सिक्योरिटी जोन. अंदर आ गए हैं अभी. टिकट चेक हो गया हमारा. अंदर आ गए हैं हम सिक्योरिटी चेक करा के. सिक्योरिटी चेक करा के आ गए. सेफ. सुंदर लग रहा है यहाँ पे ना. अंदर भी ये इको कार्ड चल रही है. पोलो कार्ड. सरदार वल्लभ भाई पटेल की. एक भारत श्रेष्ठ भारत. जिसमें सरदार पटेल की भूमिका अहम थी. गलियारा. अंदर तक जाने के लिए गार्डन भी अच्छा बना रखा. अंदर भी डेवलप किया हुआ है पूरा. एग्जिट गेट. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. मेडिकल असिस्टेंस. मोबाइल नहीं लेट मत करो. गरबी गुजरात. गुर्जरी. हाँ बस जा रही है दर्शन. ये पुल बना हुआ है स्टैचू तक जाने के लिए. हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी. नीचे आ गए हम बिल्कुल उसके स्टैचू के ऊपर. गार्डन बना हुआ है. पहले ऊपर चलना ना. ऊपर से भी दिखाई देगा. प्रतिमा की जो हाइट है वो 182 मीटर.
तो अभी जो हम खड़े हैं वो 135 मीटर की हाइट पर खड़े हैं। यहाँ से ऊपर है 47 मीटर पंद्रह माल जितना, लेकिन वहाँ पर किसी के लिए अलाउड नहीं है, वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ही जा सकते हैं। व्योम गैलरी जो बनी है उनकी चेस्ट में, और यहाँ से ही आपको बाहर का व्यू देखना रहता है। तो सामने देखोगे तो सरदार सरोवर डैम और डैम के पीछे का बैक वाटर भी आप यहाँ से ही देख सकते हो। ये जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है वो सपना देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो इसीलिए इस जगह पर ये प्रतिमा का निर्माण हुआ है। दोनों साइड की जो माउंटेन आप देखोगे तो आपके राइट साइड की माउंटेन सतपुड़ा माउंटेन है और लेफ्ट साइड में विंध्याचल। दोनों माउंटेन के बीच में सरदार सरोवर डैम भी बनाया गया है और ये स्टेचू ऑफ यूनिटी भी। और बीच में आप रिवर देख रहे हो वो है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के बीच में साधु आइलैंड के ऊपर ये प्रतिमा का निर्माण हुआ है। ये जो साधु बेट है उसको कटिंग किया, लेवल किया, इसके ऊपर दो पिलर्स बनाए हैं उनके शोल्डर तक, और दोनों पिलर्स के अंदर ही डीप रखी गई है जो आपको यहाँ तक लेके आती है। इसके ऊपर ये पूरा स्टील स्ट्रक्चर है और बाहरी आवरण आप देख रहे हो वो पूरा ब्रॉन्ज का बनाया गया है। पांव से लेके सिर तक जितना भी ब्रॉन्ज यूज किया गया है वो 1700 मैट्रिक टन है। और ये जो प्रतिमा बनाई गई है तो एक एक पार्ट को ज्वाइंट किया गया है, तो ऐसे 6500 से भी ज्यादा ब्रॉन्ज के पार्ट लगे हैं पूरी प्रतिमा के ऊपर। प्रतिमा की जिन्होंने डिजाइन बनाई है वो है डॉक्टर राम सुथर, और अभी उनकी एज हो गई है 98 ईयर्स ओल्ड, और महाराष्ट्र के हैं, धुलिया डिस्ट्रिक्ट गोंडोर गांव के हैं, लेकिन रहते हैं नोएडा में, दिल्ली में वहाँ वर्कशॉप है उनका। और उनको पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने डिजाइन बनाई, पूरा कंस्ट्रक्शन किया है एलएनटी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जो 250 जितने इंजीनियर और 3000 से भी ज्यादा लोगों ने रात दिन काम किया, तो ये 3 साल 10 महीने के अंदर ही ये प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किया है। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कम टाइम में पूर्ण किया गया है। अभी आप सामने जाली का जो पोर्शन देख रहे हो तो सरदार साहब का जो जैकेट है तो उसकी डिजाइन है ये। दोनों साइड आउटर पार्ट आपको यहाँ से दिखाई देगा, तो जो कंधे पर शॉल रखा गया है उसका पार्ट दिखाई देगा। यहाँ बीच में आके आप ऊपर नजर करोगे तो बड़ा सा सर्कल दिखाई देगा, तो ये ऊपर से सेकंड नंबर का बटन है, 1.1 डायमीटर है, 3.5 फीट का। तो ये ऊपर से सेकंड नंबर के बटन के नीचे अभी हम कर रहे हैं, तो आप दूर जाओगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कितनी हाइट पर होके आए हो। यहाँ पर आपको ये आगे का व्यू देखना है, उस साइड पीछे का भी देखना है, और दोनों साइड इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हो। और यही एक ऐसी प्रतिमा है जिनमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हो, बाकी ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है जिनमें आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। फिर यही लिफ्ट आपको ग्राउंड फ्लोर म्यूजियम में लेके जाएगी, और बाहर जाके लेफ्ट हैंड साइड जो एस्केलेटर लगे है तो प्रतिमा के चरणों तक जाना रहेगा। आपकी यही टिकट में वैली ऑफ फ्लावर डैम भी इंक्लूड रहेगा, और शाम को नेचर शो रहता है 7 बजे का टाइमिंग है, और 25 मिनट का शो रहता है जो पूरी प्रतिमा पर दिखाते हैं। आपको अपनी टिकट में जो मेंशन किया होगा एसओयू कैंपस, तो यहाँ कैंपस में जो बेंच लगी है वहाँ बैठना रहेगा। और जिन लोगों ने हेलीपैड ग्राउंड किया होगा मेंशन, तो ये बस स्टॉप से आगे हेलीपैड ग्राउंड है वहाँ बैठना रहेगा। और जिन लोगों ने ऑफलाइन टिकट ली होगी और मेंशन नहीं किया होगा तो बस स्टॉप से नेक्स्ट देख सकते हो। और 1000 वाली टिकट ऑफलाइन भी ली होगी तो उन लोगों को भी फिर से एंट्री देंगे नेक्स्ट शो के लिए, तो ये आप यही टिकट में देख सकते हो। आप अपनी टिकट में जहाँ मेंशन किया हो वो देख लीजिएगा। थैंक यू, हैप्पी जर्नी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जैकेट का है ये जो डिजाइन बना हुआ है, जिसमें से हम व्यू देख रहे हैं। डैम दिख रहा है, बस स्टैंड, पिकअप और ड्रॉप पॉइंट, नो टच, स्टैचू ऑफ यूनिटी। बटन है मतलब ये नहीं देखा
ये हम चेस्ट चेस्ट की हाइट पे है ना। अंदर से स्ट्रक्चर साइड का स्ट्रक्चर है ये। से दिख रहा है नीचे ऊपर वॉशरूम भी बने हुए हैं। मैं दोबारा दूसरे लॉट की कितनी भीड़ हो गई फिर से। फर्श पर भी लाइट्स लगी हुई हैं। अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट जेल में बिताए गए दिन। क्रांति में हिंसा का कोई स्थान नहीं। वल्लभ भाई पटेल 19 फरवरी 1939 गुजरात विद्यापीठ के छात्रों को संबोधित करते हुए बोरसद सत्याग्रह। फैमिली में मणिबेन और दाया भाई ये वल्लभ भाई पटेल की बेटी और बेटा होंगे। वीर विठ्ठल भाई विठ्ठल भाई पटेल कुछ समय के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। चौरा चौरी घटना के बाद गांधी के द्वारा सहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद विठ्ठल भाई ने कांग्रेस छोड़ दी। उनसे लौटे वकील 1916 में वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में रहते थे। आपराधिक मामलों के बड़े अच्छे वकील बन चुके थे। लंदन से लौटे बैरिस्टर एक होशियार नव युवक थे जो अच्छी तरह से सिले हुए कपड़े हल्का सा तिरछा करके हैट पहनते थे। इनकी लाइब्रेरी बुक्स रखी हुई हैं। वकालत के दिन
ब्रदर्स, चार पटेल भाई हमें विठल भाई बलरा भाई से 3 साल उम्र में बड़े थे। लंदन के दिन लंदन में सूट और टाई पहने मिडिल टेंपल में प्रवेश करते हैं। माटी केला सन ऑफ द सॉइल धरती पुत्र। सब पिक्चर्स वल्लभ भाई पटेल के जीवन से संबंधित। यदि लोग कष्ट सहने को तैयार रहें तो सबसे ताकतवर तानाशाह को भी झुकना पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 16 फरवरी 1928 को बारडोली की किसानों को संबोधित करते हुए। थिएटर है, उनके संबंधित मूवी चल रही है अंदर। लाओ पुरुष, मैन ऑफ एक्शन। नीचे उनका छोटा स्वरूप बनाया हुआ है। प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ है ये उसमें दिखा रहे हैं। अंदर गैलरी है, उसी में ही घूम रहे हैं हम भी। मतलब भाई पटेल का ऊपर का हिस्सा यहाँ पर बना के रखा हुआ है मॉडल। चेहरे को नरेंद्र मोदी, सभी करोड़ों देशवासी माँ भारती का पुण्य स्मरण करके ही रोमांचित हो जाते हैं, अंतर्मन ऊर्जा से भर जाता है। पल भर विचार कीजिए, सरदार साहब ना होते हमारी ये भारत माँ अंग्रेजों के षड्यंत्र के शिकारों का टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही हम एकता के सूत्र में बंधे हैं। किसान पुत्र, लौह पुरुष, भारत की एकता को समर्पित सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्टैचू ऑफ यूनिटी पर आपका स्वागत है। ये सैंडल के पैरों की तरफ आ गए हम लोग प्लेटफॉर्म पे।
बाहर से स्टैचू। इतना विशाल ये रास्ता जहाँ से हम लोग आए अभी, डैम दिख रहा है। कैसे दिख रहे हैं ये बने हुए। ये एक प्लेटफॉर्म नीचे आने पे यही दिखाई दे रहा है इस तरह से। ये प्लेटफॉर्म के नीचे इधर नर्मदा बह रही है। इतना बड़ा गेट है। नर्मदा कितना सुंदर लग रहा है, व्यू कितना खूबसूरत है यहाँ से। मूर्ति के बिल्कुल नीचे प्लेटफॉर्म पर है हम। ब्यूटीफुल ये गलियारा बना हुआ है जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। खूबसूरत नज़ारे। ये रोड चल रही है साथ में जो जा रही है, मेन रोड है यहाँ आने जाने का रास्ता। किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार, वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को
धर लेता हथियार, लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार, तेज पुंज तुम शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार, ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सदा। अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झलेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के पांच बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नड़ियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झलेर बाई से। दो बच्चों बेटी मणि बहन और बेटे डाया भाई को जन्म देने के बाद झलेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीटर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा फिर आन और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं गांव की धूल थी, हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और एक बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कसमें खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष। कितना सुंदर लग रहा है ना।
एकता नगर का रेलवे स्टेशन एकदम चमकदार चकाचक एकदम साफ सुथरा नहीं साफ सुथरा फर्श